It was narrated from Abu Huraira that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Hasten to do good deeds before there emerges fitna like a piece of black night." अच्छे अमाल में तेजी करो इससे पहले कि फितना फैल जाए काली अंधेरी रात की तरह, ब्लैक नाइट की तरह, और काली अंधेरी रात में नजर कुछ नहीं आता. यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग टू, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एंड यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू. व्हेन अ मैन विल बी अ बिलीवर इन द मॉर्निंग एंड अ डिसबिलीवर इन द इवनिंग, उसका ईमान इतना फ्लक्चुएट करेगा डाउट्स की वजह से कि वो सुबह मोमिन होगा, रात को काफिर हो जाएगा. यानी हरकतें ऐसी करेगा जो काफिर वाली हरकतें हैं, नॉन मुस्लिम वाली हरकतें हैं, और वाइस वर्सा, अ डिसबिलीवर इन द मॉर्निंग एंड अ बिलीवर इन द इवनिंग. बताने का मकसद ये है कि ईमान की फ्लक्चुएशन इस लेवल की होगी उस दौर में कि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आएगा, और सुबह तक तो पक्का मोमिन था, रात को उसको डाउट्स आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा. यानी दैट इज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ ईमान बिकॉज ऑफ द मेस ही और शी विल बी इन. And he will sell his religion for worldly gain. और वो अपने दीन को दुनियावी फायदे के लिए बेच देगा, छोटे से फायदे के लिए दीन को बेच देगा. और ऐसा आज हम देख रहे हैं, लोग पोजीशन के लिए, फेम के लिए, एक बैज के लिए, ओके, रिकग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए दीन को बिल्कुल साइड पे लगा देते हैं. यू वॉन्ट बिलीव के मैं तो चूके 7 साल से ओ लेवल ए लेवल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ. यू वॉन्ट बिलीव के बच्चे एक सिंपल बैज के लिए, रिकग्निशन के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए अपना दीन ईमान सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सारी रूटीन डिस्टर्ब कर लेते हैं, दो दो रातें जागते हैं, किस लिए? कॉन्सर्ट कराना. और रिकग्निशन क्या है? रिकग्निशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जी, आपने कॉन्सर्ट कराया था, और उसके लिए सब कुछ कुर्बान है. जो एनर्जीज असल में सही साइड पे लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी एनर्जीज वो ऑपोजिट साइड पे लग रही हैं, और एंड में मिलता कुछ भी नहीं है. मैं आपको पहले ही बता दूं, जिल्लत ही मिलती है, क्योंकि हमने भी ये काम करके देखे हैं. एंड में रिकग्निशन जीरो है. वो लोग जो मटीरियलिस्टिक रीजंस के लिए आपके साथ अटैच्ड हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स. तो एंड में मिलता कुछ भी नहीं है ह्यूमिलिएशन के सिवा. So they will sell their religion for a little worldly gain. That is the fitna.